अक्सर जब आप काम नहीं करते हो तो रोते हो। रोना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि समझ में आ रहा है कि हारने वाले। ये बातें मैं कह रहा हूँ आशा नौटियाल जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई वर्षों से महिला मोर्चा की अध्यक्ष अंकिता भंडारी की माँ के रोने पर उनके साथ नहीं थी। मेरे बेटे ने मुझे खाने का तोड़ उन तमाम महिलाओं के रोने पर उनके साथ नहीं थी जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लचरपन की वजह से अपनों को खोया, उनके साथ तो नहीं रोई। तो आज रोने की क्या जरूरत पड़ी? और जनता जान रही है आप रो क्यों रहे हो, यही तो करते आए हो आप, और यही एक्चुअल आपका जो राजनीति करने का आइडिया है यही है। थोड़ा सा वुमन कार्ड, थोड़ा सा रो लो, और रोते रोते आप अपनी बात कहोगे तो जनता क्या मान लेगी? आप पिछले 10 साल का क्यों नहीं कार्यकाल अपना बता रहे हो कि हमने 10 साल में करा क्या है, या फिर 5 साल महिला मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए आपने क्या किया? किस महिला के साथ आप खड़े हुए हैं? और गरीब परिवारों में जहां आप जाकर आज दीदी बुली कर रहे हो तो क्या चीज करना हमें किले जिन बेवकूफ बनाना, और कब तक जनता को बेवकूफ? पर मुझे लगता है अभी जनता बेवकूफ बनने वाली है नहीं, क्योंकि जनता को समझ में आ गया है कि जो आज ये ढकोसले कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मंचों पर जाके रोना और फिर धामी जी को उनको संभालना और ये तमाम चीज़ें, धामी जी ये तो केवल आशा जी रोई, रिजल्ट आने पर आप भी रोएंगे मुझे लगता है, क्योंकि जो जनता को आपने आंसू रुलाए हैं ना, जो युवाओं के साथ छल किया है, अभी अभी आपने वो रोजगार के नाम पर कुछ पोस्ट जो युवाओं की थी आपने उनको खुद जाके नियुक्ति पत्र दिए थे, उनकी भी नियुक्तियां नहीं हुई। कई जगह पर आपने जो प्रोमिसेस किए वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए। आज हमारी सड़कों के हाल, हमारी शिक्षा के हाल, हमारे स्वास्थ्य के हाल बेहाल हैं। केदारनाथ की जनता अब जान चुकी है, मान चुकी है कि हाँ उनका एक हीरा आ चुका है, और आप ये सब बरगलाना अब बंद करें। मैं तो ये मानता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा में जो लोग केदारनाथ धाम से प्यार करते हैं वो भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को नकारने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने केवल केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीतिक अभी सीढ़ी पकड़ी हुई है। क्यों नहीं ये बाहर जाते, क्यों नहीं विकास के मॉडल पर बात करते, क्यों नहीं ये मुद्दों पर बात करते? एक तरफ मैं देख रहा हूँ मनोज रावत जी, उनको क्या पता केदारनाथ धाम को एक पत्थर के रूप में आप बताने की प्रयास कर रहे हैं? पत्थर ही तो है। बुद्धि हीन हो चुके हैं लोग, और आज हमें यह समझना होगा कि आपने विपक्ष में रहते हुए क्या किया था 5 साल, जो आज आप फिर से वही रोना शुरू करने वाले हो कि यार हमें वोट दे दो, हम जीतना चाहते। क्यों जीतना चाहते हो आप ये बता दीजिए। आप समझिएगा, आज उत्तराखंड की और केदारनाथ विधानसभा की जनता जाग चुकी है, उनको समझ में आ रहा है कि किसने क्या किया है। आशा दीदी का रोना कल सबने देखा, मुझे लगता है अब धामी जी का रोना देखना बाकी है। पर आज चाहे छल हो बल हो ये सब करेंगे, और ये कपट से परे जनता अब की बार सवाल जरूर पूछेगी। जनता पूछेगी अगर आप घर पर जाओगे कि आपने पिछले वर्षों से हमारे साथ क्या किया। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है सर। अभी मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, कहते चाची जी को थोड़ा फूड पॉइजनिंग सी हो रही है, तो सोचिएगा कहाँ ले जाना पड़ रहा है उनको, फाटा से और रुद्रप्रयाग में इलाज हुआ तो ठीक, नहीं तो श्रीनगर। तो क्या हम आम आदमी ऐसे घिसता पिटता रहेगा? और कौन सी बरगलाहट हो रही है ये? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ जो आदमी केदारनाथ धाम से प्यार करता है, जिसको बाबा श्री केदार का आशीर्वाद चाहिए, जिसके घर में बाबा श्री केदार की मर्जी से या यूं कहें उनके आशीर्वाद से घर की रोटी चल रही है ना, वो अब की बार भाजपा कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। वो वोट करेगा अपने उस बच्चे को, अपने उस युवा साथी को, अपने उस बेटे को जो उनके लिए अब आवाज़ उठाने वाले। तो जुड़े रहिएगा, रोइएगा नहीं, अभी रोना और बाकी है। आंसू बचा के रखिएगा, क्योंकि अभी अंकिता की माँ के बराबर आंसू के एक बूंद नहीं रोए हुआ। नमस्कार।